గిజ్జుడాలే. బీజేపీలో చేరితే దావుద్ పైన కేసులు ఉండవు. అంతే కాదు రాజ్యసభ ఎంపీ కూడా కావచ్చు. కాంగ్రెస్ ఎద్దేవా. మీడియా సమక్షంలో బీజేపీ వాషింగ్ మిషన్ ప్రదర్శన దేశాన్ని ప్రభుత్వం కాదు నేరగాల ముఠా నడిపిస్తున్నట్లుంది. బీజేపీలో చేరితే బెయిల్ లేకుంటే జైలు. రాహుల్ నేడు ఢిల్లీలో ఇండియా కూటమి ప్రజాస్వామ్య పరిరక్షణ సభ ఢిల్లీలో బీజేపీ పేరుతో ఉన్న వాషింగ్ మిషన్ నుంచి చొక్కాను తీసి చూపిస్తున్న పవన్ కేర. ఒకసారి ఆ వీడియోను చూద్దాం మనం. ఇక మురికి అంటే ఎక్కడెక్కడ అవినీతికి పాల్పడ్డ వాళ్ళంతా ఉంటారు కదా, వాళ్ళు బీజేపీలో చేరితే సాప్ అయిపోతా ఉన్నారట. जब तक तीन हाय नमस्ते मोत्तम आज बहुचर्चित वॉशिंग मशीन आपके सामने है. हमारे इधर बीजेपी वॉशिंग मशीन सब्जी के चाय के दाग लग जाते हैं. चाय बोलते ही थोड़ा डर भी लगता है. चलिए तो कई बार महंगे से महंगा वॉशिंग पाउडर भी उस दाग को नहीं छुड़वा पाता. लेकिन अब मार्केट में एक ऐसी वॉशिंग मशीन आ गई है और एक ऐसा वॉशिंग पाउडर आ गया है. ये है उस वॉशिंग पाउडर का नाम मोदी वॉशिंग पाउडर. जिद्दी से जिद्दी दाग हो, चाय का दाग हो, सब्जी का दाग हो, किसी भ्रष्टाचार का, रेल घोटाले का, खेल घोटाले का, निर्माण घोटाले का, सिंचाई घोटाले का, कोयले घोटाले का, चिटफंड का, कोई दाग हो, ये मोदी वॉशिंग पाउडर और ये बीजेपी की वॉशिंग मशीन, ये आपके सामने लाना आवश्यक था. देश जानना चाहता था, सब जानना चाहते हैं साहब ये कौन सी वॉशिंग मशीन आ गई मार्केट और इसकी कीमत मैं आपको बता. बड़ी रोचक प्रेस वार्ता है आपके सामने. आपके सामने चाय के दाग लगे हैं. उस वॉशिंग पाउडर का नाम घोटाले का 8552 करोड़ की ये वॉशिंग मशीन है. इंता? ये इलेक्टोरल वॉशिंग मशीन दर इंता सुड़ रही. ये मोदी वॉशिंग पाउडर और ये बीजेपी की वॉशिंग मशीन, ये आपके सामने लाना आवश्यक था. देश जानना चाहता था, सब जानना चाहते हैं साहब ये कौन सी वॉशिंग मशीन आ गई मार्केट में और इसकी कीमत मैं आपको बताता हूं. घबराइएगा मत सुनकर. 8552 करोड़ की ये वॉशिंग मशीन है. ये इलेक्टोरल बॉन्ड से जो पैसा आया था 8552 करोड़ की वॉशिंग मशीन जिद्दी से जिद्दी दाग छुड़वाएगी. आप भी खरीदिए, काम आएगी. कितना ही पुराना दाग हो, वैसे ये 10 साल पुराने दाग धोने में बड़ी एक्सपर्ट मानी जाती है. 2014 से पहले के जितने दाग हो, ना केवल ये तेजी से सफाई करती है, आप बहुत हैरान होंगे जानकर इसमें एक स्पिन का बटन भी है. स्पिन, वो स्पिन का बटन अगर आप दबा दें तो फिर कोई घोटालेबाज वो राष्ट्रभक्त बन जाता है, स्पिन हो जाता है पूरा गोल. जो कल तक घोटालेबाज था आज वो राष्ट्रभक्त बन जाता है, ईमानदार हो जाता है. ये दूसरा बटन है स्लो बटन. स्लो. आप देखिएगा ध्यान से. स्लो बटन क्या है कि किसी जांच को धीमा करना हो उससे पहले बात कर लो, बीजेपी में आ जाओ साहब सब ठीक हो जाएगा. वो हाँ सोच रहा हूं वो कहेगा तो स्लो बटन में चला जाएगा तो जांच धीरे हो जाएगी, कार्रवाई ढीली पड़ जाएगी, फाइल कहीं नीचे ईडी के ऑफिस में या सीबीआई के ऑफिस में कहीं नीचे चली जाएगी. ये इस मशीन का चमत्कार है, ये इस मशीन का जादू है, इसीलिए इसको जादुई मशीन कहा जाता है. फिर जब तक इस वॉशिंग मशीन में, अरे वो डालिए ना, ये जुड़ रहेगा, ये वाली टी शर्ट जाती है, देखिए इस पे जो लिखा हुआ आप पढ़ रहे हैं, अब मैं इसमें ये डलवा रहा हूं. अरुण जी इसके अंदर डालिए और देखिए क्या निकल कर आता है. वहां भी दिखाइए अच्छी तरह दिखाइए. स्कैम लो, टेररिज्म, रेपिस्ट लो, फ्रॉड जैसे लो, करप्शन जैसे लो, भाई उधर भी दिखाइए. ये सब मांग है इस मशीन की.
मोदी बीजेपी वाशिंग मशीन दी देखिए इस मशीन की कितनी मांग है। फोड़ रहे हो मोदी वाशिंग पाउडर, आप इसके अंदर डाल मोदी वाशिंग पाउडर अभी अरुण जी आप डाल दीजिए, सबने देख लिया एशियन। जी अब देखिए इसके भीतर से बटन दबाओ ना, हाँ। स्पिन वाला दबाओ, सारे बटन दबाओ और निकालो, देखो क्या निकलता है। आज की प्रेस वार्ता मोदी जी जरूर देख रहे होंगे। चलो अब ये देखिए साफ होकर क्या निकला, बीजेपी ने ली थी मुरिकंता वही ये मोदी वाश बीजेपी ने ली थी। मेरा फेस इंपॉर्टेंट नहीं है, ये टी शर्ट इंपॉर्टेंट। बीजेपी वाशिंग मिशन लगे नहीं करप्शन చేసిన వాళ్ళంతా దొరికితే ఇది తయారైతుంది, పవిత్రులైపోతారు. ఇయో గిది మోడీ కథ అని చెప్పి పవన్ కేరే గారు చెప్తున్నటువంటి ముచ్చట నిన్న ఏసీసీ ఆఫీసులో. ఇక ఇది ఇట్లా ఉంటే ఇక ట్యాపింగ్ దొంగలు, ఇది జర ఇంట్రెస్టింగ్ ఉంది, అందరు చూడాలి.